पैरामेडिकल की छात्रा निर्भया के साथ दरिंदगी करने वाले दोषियों को आखिरकार मौत की सजा मिल ही गई। कोर्ट के आदेश अनुसार चारों दोषी विनय, अक्षय, मुकेश और पवन को शुक्रवार सुबह 5:30 बजे फांसी के फंदे पर लटकाया गया। अब चारों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। इसी के साथ निर्भया को 7 साल 3 महीने और 3 दिन बाद इंसाफ मिला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में निर्भया के साथ हुई दरिंदगी ने देश को झकझोर कर रख दिया था। इस घटना के बाद देश भर में आक्रोश का माहौल था और दोषियों को फांसी देने की मांग की जा रही थी। लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद चारों दोषियों को तय समय अनुसार शुक्रवार सुबह 5:30 बजे फांसी के फंदे पर लटकाया गया है। निर्भया की माँ आशा देवी ने लंबे समय इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी है। आज जब दोषियों को फांसी दी गई तो उन्होंने ऐलान किया कि 20 मार्च को वो निर्भया दिवस के रूप में मनाएंगी। आशा देवी का कहना है कि वो अब देश की दूसरी बेटियों के लिए लड़ाई लड़ेंगी। चारों दोषियों को फांसी देने से पहले उनके वकील ने आखिरी वक्त तक फांसी को टालने की कोशिश की। वकील ए पी सिंह ने फांसी के दिन से एक दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट में डेथ वारंट को टालने के लिए याचिका दायर की, लेकिन इसमें दोषियों के खिलाफ फैसला आया और आखिरकार चारों दरिंदों को फांसी की सजा दे दी गई। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।